डियर फ्रेंड्स, अगर आप किताबें पढ़ते हैं और आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है तो ये वीडियो आपके ही लिए है। बाजार में ऐसी बहुत सी किताबें मिलती है जिन्हें आप पढ़ना तो चाहते हैं पर किसी भी कारणवश आप उन्हें ले नहीं सकते, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसपे आप कोई भी किताब, जी हाँ कोई भी किताब, NCERT, कोई राइटर की किताब या फिर कोई हिंदी, इंग्लिश या कोई भी भाषा की, तो आप उन्हें इस पे डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी में और आप उन्हें ऑफलाइन पढ़ भी सकते हैं। और जी सबसे अच्छी बात यह है कि आप हर किताब का जो साइज है वो 1 MB से नीचे है, तो आपका बहुत डाटा भी बचेगा और आप नेट पर सफर करने से भी बचोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आप इस वेबसाइट पे आएंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे आपको डाउनलोड APK करना है। डाउनलोड APK करने के बाद नीचे ये ऑप्शन मांगेगा डाउनलोड का, तो आपको इसे डाउनलोड करना है या ओके मांगेगा तो ओके करना है। मैंने इसे पहले ही डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। तो जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपके ये राइट साइड में 3 बटन्स पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको जाना है डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स पर जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे एनी बुक रीड PDF। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉलिंग प्रोसेस चल रही है। तो इसको आपको इंस्टॉल होते रहने देना है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो देखिए ये इंस्टॉल हो गया है, तो आपको डन पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। तो ये देखिए एनी बुक का एक ऐप बनकर आ जाएगा। तो आपको एनी बुक पर क्लिक करना है। जैसे आप एनी बुक पर क्लिक करेंगे ये आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा, एनीवेयर एनी टाइम एनी बुक। तो आपको इसको चलने देना है। तो ये देखिए आप साइन इन विद फेसबुक, आप फेसबुक से भी साइन कर सकते हैं और साइन इन विद गूगल, तो आप जिस पे करना चाहें आप उससे कर सकते हैं। मैं साइन इन विद गूगल करता हूँ। आप इसे फेसबुक से भी कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है, और गूगल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये मेरी 2 IDs आ गई है, तो मैं इन अपनी पहली ईमेल आईडी पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आगे चलेगा। तो देखिए ये आपसे कुछ मांग रहा है, आपको इसे देना है व्हाट डू यू लव रीडिंग अबाउट। तो आपको जो भी देना है, जैसे बायोग्राफी, बिजनेस, क्रिश्चियन कॉमिक्स, कुक बुक्स, कुछ भी। तो अब मैं इसमें दे देता हूँ बायोग्राफी, बिजनेस एंड साइंस। ठीक है, ये मैं दे देता हूँ 3। आप कुछ भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद ये आपका वेलकम करेगा, आपके लिए कुछ बुक सजेस्ट करेगा। अगर आप उन्हें डाउनलोड नहीं करना चाहते तो उन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। तो अब ये तो रहा, बुक आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इंडियन बुक्स कैसे कर सकते हैं, आप हिंदी में कैसे बुक कर सकते हैं। तो आप ऊपर जाइए, यहाँ आपको एक स्पेयर सा मिलेगा, गोला सा, और इस पे आपको हिंदी कर देना है। जब आपको हिंदी इधर से करना है, यहाँ देखिए यहाँ आपको क्लिक करना है, जिसके बाद हिंदी का ऑप्शन मिलेगा, देखिए ऐसा, और फिर आपको हिंदी कर देना है। तो आप किसी भी बुक को ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब एक बुक करके दिखाता हूँ कि आप उसे कैसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ जो बुक है आपको उसको रिफ्रेश करना है। कोई सी भी बुक आपको जो भी करनी है, या फिर आप ऊपर किताब का नाम भी लिख सकते हैं। आप इधर कुछ भी नाम लिख दीजिए हिंदी में और वो आ जाएगी। तो जैसे आपने इधर कुछ भी नाम लिख दीजिए, जैसे मैं लिखता हूँ रिच डैड पुअर डैड, ये किताब बहुत ही फेमस है। तो देखिए जैसे मैंने लिख दिया तो ये आ गई है। ये अभी तमिल में आई है, आप इसे हिंदी में भी ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद चलिए मैं आपको हिंदी में ही दिखाता हूँ। ये देखिए ये इंग्लिश में आ गई है, आप इसे हिंदी में भी ढूंढ सकते हैं। तो उसके बाद आपको दबाना है डाउनलोड्स। तो जब ये एड सक्सेसफुली दिखाएगा उसके बाद ये कुछ टाइमिंग लेगा। तो टाइमिंग लेने के बाद ये देखिए ये आ गया, ये आपको बताएगा कि आप कैसे कर सकते हैं।
इसको आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो आपको बैक आना है और बुक शेल्फ में जाना है जी। बुक शेल्फ ये रहा, इधर बुक शेल्फ ये रहा, आप इधर बुक शेल्फ पे जाइए और यहाँ आपको हर वो किताब मिलेगी। तो देखिए जैसे ये किताब थी, तो आपको इस पे क्लिक करना है और बिल्कुल हाँ जैसे किताब के पन्ने पलटते हैं आपको उसी तरह इसको पलटते रहना है। आप कोई सी भी किताब डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कोई फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और दिखाता हूँ। जैसे ये वाली किताब डाउनलोड हो गया तो आपको इस पर सिर्फ क्लिक करना है और आगे पलटते जाना है। देखिए ये सारा हिंदी में आ गया है। अगर किसी को आई प्रोटेक्शन मोड चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके ये आई प्रोटेक्शन मोड भी कर सकते हैं और आई केयर मोड भी कर सकते हैं। और आप फॉन्ट्स को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी किताब को डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पे। तो थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये पसंद आता है। आप इस पर कोई भी किताब ढूंढ सकते हैं, कोई भी। थैंक यू।